नमस्कार मित्रों, मैं मित स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है और ये हर किसी का सवाल होता है। मेरा भी सवाल था जब मैं शुरुआत में सीखता था कि कैसे हम परफेक्ट स्केल को पता कर पाएँ, कि कैसे हम सही स्केल बजा रहे हैं, या कोई भी बांसुरी को हम चेक कैसे करें कि ये कौन से स्केल की है, कैसे बज रही है, या हम सारे गामा की प्रैक्टिस किसी सही परफेक्ट स्केल पर बजा रहे हैं, ये इसका पता कैसे लगाएं। तो इसके लिए एक ऐप है, वो ऐप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो लिंक ले सकते हैं। प्लस आप प्ले स्टोर में जा कर के भी आप डायरेक्ट वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, मेन चीज़ है कि हम कोई भी बांसुरी खरीदते हैं, बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये कैसे हम इसका पता लगाए कि ये प्रॉपर स्केल में है कि नहीं है। अब ये अगर आपको सही से बजाना ना भी आए तब भी आपकी गलती हो सकती है, या आपको वो बांसुरी ही गलत मिली हो, आपने जो बांसुरी खरीदी हो वो ही गलत हो, ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार आप सही बांसुरी होने के बावजूद अगर आपकी फूक सही से नहीं पड़ रही है तो वो स्केल अलग बताएगी, तो इसका आपने ध्यान रखना है। प्लस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इसका रियाज करना है, और अगर किसी को हमसे पर्सनली क्लास भी लेनी है तो आप हमारी क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपने क्या करना है, एक ऐप का नाम है ट्यूनर, ट्यूनर करके एक ऐप आता है, जी स्ट्रिंग, है ना। तो आपने सबसे पहले तो उस ऐप को ओपन करना है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपने उस ऐप को ओपन करना है। ओपन किया, अब क्या करना है आपने, अब जैसे ही आपको इस सबसे पहले तो आपको स्केल पता होने चाहिए कि स्केल में सारे गामा पा धा नि सा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि ये सारे यहाँ पर इंग्लिश में आते हैं, सी डी ई एफ जी, ये सारे सारे गामा पा धा नि सा ही होते हैं, बस ये हिंदी में अलग होते हैं इनके नाम, और इंग्लिश में यही बन जाते हैं। सी डी सी माने नी हो गया, सी शार्प माने सा हो गया, अलग अलग चीज़ है, या सा माने सी माने सा हो गया। ये आपको मैंने पहले ही एक वीडियो में बता रखा है, उसको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के पता कर सकते हैं कि कौन सा स्केल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है ना। तो अब आपने क्या करना है, जैसे माना हमने, हमारे पास है सी की बांसुरी, है सी की बांसुरी हमने ली, और अब हमने क्या करना है, चेक करना है। तो अगर आप इसमें सरगम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना, सही से सा लगाने के लिए कैसे आपने प्रैक्टिस करना है वो भी आप देख सकते हैं, तानपुरे के साथ भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे भी। तो जैसे अभी ये सी की फ्लूट है, तो देखिए सी को बिल्कुल बीच में, ये सुई है जो, इसको बिल्कुल बीच में लाना है सी स्केल पर, ये सी की फ्लूट है। अब यहाँ पर जो ये जो बिल्कुल सीध में है, इसके एक दो आगे और एक दो पीछे भी जा सकता है, ये इसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ आपके फूक पर डिपेंड करता है ना। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये सी पर आ जाए। अब आपको पता लगा ये सी है, अब रे, अगर आप फूक तेज या कम मारेंगे तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि आप गलत बजा रहे हैं। देखिए, मैं वही बजा रहा हूं, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ मोड़ी है बांसुरी, तो वो सुर कहाँ गया। तो यही चीज़ आपको देखना है कि कहीं बांसुरी गलत बज रही है, गलत की है, तो यही आपको आगे पीछे करके उसको बिल्कुल टोन पर लाना है, तब जाके आपका रे सही से लगेगा। अब जैसे जैसे बीच में आ जाइए, ये सही है, फिर आपको इसी पे प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे गा, तो ऐसे करके आप किसी भी बांसुरी, अब जैसे ये सी की है, ऐसे आपने प्रैक्टिस करना है और देखना भी है कि कहीं पर, कई बार बांसुरी में डिफेक्ट होता है, कई बार आप ही गलत बजा रहे होते हैं, तो इससे दोनों का पता लग जाता है। अब देखिए, जैसे ये ई की बांसुरी है, कैसे,
अभी सुई जितनी तेज हिलती रहेगी ये समझिए कि आपका सा उतना ही खराब है, ये जितना स्टेबल रहेगा ये समझिए कि आपका सा उतना ही सही है। इसी को हम सा साधना कहते हैं। बिल्कुल स्टेबल आपका हिलना नहीं चाहिए सुई, है ना। और शुरुआत में अगर हिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस कर करके इसको सीध में लाना है। देखिए जैसे ही ये सीध में आते हैं वैसे ही दोनों के दोनों चमक जाते हैं, एक तो सुई भी चमक जाती है और वो स्वर भी चमक जाता है, उस पर लाइट आ जाती है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये सही है। तो इसका आपने ध्यान रखना है ना। तो सिर्फ मेरे हिसाब से आप इसी चीज़ से स्केल का भी पता लगा सकते हैं, और दूसरा अपना जो आपके स्वर हैं उनका भी रियाज कर सकते हैं, है ना। तो इसका आपने बिल्कुल सही तरीके से ध्यान रखना है कि कैसे इसको आपने यूज़ करना है, वो मैंने आप सबको बता ही दिया है। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, तब आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे अपना रियाज और जो भी मैंने आपको बताया उस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।